अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम द नेमिंग ऑफ कैट्स की एक्सरसाइज C1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो एक्सरसाइज C1 है, आप पेज नंबर 41 पर देख सकते हैं। उसका जो टॉपिक है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, उसमें हमारे पास सिमिलीज का यूज है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत दफा सिमिलीज के बारे में बता चुकी हूँ कि सिमिलीज क्या होती है। अब स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपको सिमिलीज के बारे में ब्रीफ करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एट पेज नंबर 42 पर इसकी एक्सरसाइज है, उसको हमने सोल्व करना है। बट उससे पहले मैं आपको सिमिली जो है वो एक्सप्लेन कर दूं। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, लाइक हमारे पास कोई भी चीज हो, कोई पर्सन हो या नॉन लिविंग या लिविंग थिंग हो, हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, एक चीज का दूसरी के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम जो है वो इट मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिली। लाइक हम कहते हैं कि ही इज एज लाइक एज इनोसेंट एज अ लैम्ब, यानी एक जैसे एक बकरी होती है, बहुत ज्यादा बकरी का जो बच्चा होता है उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। भेड़ के साथ जो है, जो भेड़ होती है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं कि लाइक वो इतना इनोसेंट है कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बकरी की तरह हो। अब इसी तरह हम एक लाइक और यूज करते हैं, ही इज लाइक द लायन, ठीक है, कि वो शेर की तरह है। तो ही इज एज ब्रेव एज द लायन, हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब जब हम सिमिले के बारे में बात करते हैं, तो सिमिले में हम वर्ड दो यूज करते हैं, एक तो वर्ड लाइक यूज करते हैं और एक सेकेंड वर्ड एज यूज करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को, दो चीजों को, तो हम एक वर्ड लाइक यूज करते हैं, लाइक के जरिए हम कंपेरिजन करते हैं, या हम एज के जरिए कंपेरिजन करते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, मैं फिर दे देती हूँ कि हम यहाँ लिखेंगे शी इज एज स्वीट एज हनी, ठीक है। तो यहाँ पर एज जो है इट मीन्स कि हम सिमिली का यूज कर रहे हैं, हम दो चीजों को, हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नाउन लिविंग है जो कि पर्सन है, और ये थिंग के साथ है, तो हम उसको इस तरह से कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास ये सिमिली थी। अब यहाँ पर पेज नंबर 42 पर आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास लाइक सेंटेंसेज हैं, उनको हमने किस तरह से करना है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद कलरफुल सिमिलीज ऑफ योर ओन। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि आपने इनमें जो कलरफुल सिमिलीज लाइक उनको खुद से बनाने हैं, कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पे गिवन है जो हमारे पास सेंटेंसेज हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे वर्ड्स ऐड करने हैं ताकि हम सिमिली को कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, दैट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द ट्रीज इन द वैली वॉज एज क्लियर एज। अब जब हम एज क्लियर एज करते हैं कि हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा वो क्रिस्टल क्लीन है, तो हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, बल्कि हम यूज यही करते हैं कि दैट थिंग इज एज क्लीन एज क्रिस्टल। तो हम यहाँ पर साउंड के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इस जो सेंटेंस है उसके साथ हम लिखेंगे एज क्लीन एज, अब ये सब हमारे पास दिया हुआ है, हमने एक और वर्ड ऐड करना है क्रिस्टल, ठीक है, एज क्लीन एज क्रिस्टल। देन हमारे पास है बी, द मैन अरेस्टेड बाय द पुलिस मैन वॉज एज अगली एज। अब हम जो है वो कंपेयर किसके साथ करेंगे, क्या है यहाँ पर, द मैन अरेस्टेड, जो मैन अरेस्टेड किया गया पुलिस के थ्रू वो कैसा था, एज अगली एज। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ जो है अगर हम स्टैंडर्ड जो है वो सिमिली की बात करें तो वो दो चीजों को रेफर करता है, एज अगली एज हम जो है वो सिन यूज कर सकते हैं या हम टॉट यूज कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, आप सीन यानी कि गुना या टोट, या आप यहाँ पे मेंढक जो है टोट को कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द टेलीग्राफ वायर्स बज्ड लाइक, अब जब हम बजिंग की बात करते हैं तो बज का मतलब होता है बज, साउंड है, तो ये बजिंग जो होती है वो क्या होती है,
लाइक साउंड है. अब ये साउंड किसका है? भिन बनाना मक्खियों का. तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है कि द टेलीग्राफ वायर्स, जो टेलीग्राफ की जो वायर्स हैं वो किस तरह से बस करी है, बस्ड लाइक बीज. अब यहाँ पे एज नहीं है तो यहाँ पे वर्ड लाइक यूज हुआ है, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि यहाँ पे या तो एज यूज किया जा सकता है या तो लाइक किया जा सकता है. जब हम वर्ड लाइक और एज इसमें किसी भी सेंटेंस में देखते हैं, जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो इट मींस कि हमें वहां पता चल जाना चाहिए कि हम वहां तशबीह की बात करें, यानी हम सिमिली के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स बीज लिखेंगे कि वो बीज की तरह ऐसे उनमें से आवाज आ रही थी भिन भिनाहट की वायर्स में से. अब डी है हमारे पास, समीर kicked the ball as straight as, अच्छा as straight as. अब हम जब straight की बात करते हैं तो straight यानी कि सीधा, जब हम कहते हैं कि उसको, हम एक example भी दे दूंगा, मैं तुम्हें तीर की तरह सीधा कर दूंगा या तीर की तरह सीधा कर दूंगी, तो हम क्या कहते हैं कि जब हम स्ट्रेटनेस की बात करें तो हम एरो की बात करते हैं. तो यहाँ पर होगा कि जो स्टेटमेंट है कि समीर किक द बॉल एज स्ट्रेट एज एन एरो, चूंकि हमारे पास यहाँ वाउल है तो इसके साथ हम एन यूज करेंगे, एज स्ट्रेट एज एन एरो. आफ्टर डेट हमारे पास ई है, द बिग शिप स्टीम्ड इन टू द हार्बर एज स्मूथली एज, अच्छा अब एज स्मूथली एज. अब जब हम स्मूथनेस की बात करते हैं तो बहुत कहते हैं हम स्मूथली ये काम हो गया, मक्खन की तरह ये काम हो गया या रेशम की तरह ये काम हो गया, तो हम ये चीजें यूज कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजीली हम इसको वे में डिस्क्राइब करेंगे, बहुत कलरफुल तरीके में उन्होंने कहा है कि सिंबल्स यूज करनी है, बट हम वो यूज करेंगे जो कि इनके साथ मैचेबल है. तो एज स्मूथली एज क्या यूज करेंगे, सिल्क, एज स्मूथली एज सिल्क. ठीक है, हम यहां करेंगे एट. देन है हमारे पास द विंड हाउल, अब विंड के जो आवाज होती है वो हाउल क्या होती है, उसका चिंगारना, उसका चीखना, तेज हवा का. ठीक है ना, विंड हम कहते हैं तेज हवा को है, ब्रीज कहते हैं लाइट को और विंड कहते हैं तेज को. द विंड हाउल थ्रू द ट्रीज लाइक, अब जब हम हाउलिंग की बात करते हैं तो हाउल जो है, एक तो वुल्व्स भी हाउलिंग करते हैं, ठीक है, उनका जो आवाज, जो उनके बोलना होता है उनको क्या कहते हैं, हाउलिंग कहते हैं. और एक जो गीदड़ होते हैं, जो जैकल्स होते हैं, उनको भी हम हाउलिंग बोलते हैं. तो हम यहां लिखेंगे, यहां पर हमारे पास है द विंड हाउल थ्रू द ट्रीज लाइक, अच्छा जी, अब हमने लाइक है तो लाइक में वर्ड नहीं ऐड करूंगी, यहां पर मैं लिख दूंगी like wolves, या मैंने आपको बताया या तो jackals लिख देंगे या wolves, यानी wolves किसको कहेंगे, भेड़ियों की तरह जो है वो आवाजों की शोर आ रही थी, बहुत ज्यादा loud था. Then है the startling news spread through the town like, स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि वो बात जो है वो जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस तरह से एक जंगल में आग जो है वो फैलती जाती है, वो रुकती नहीं है, इसी तरह हम कहते हैं कि कोई बात होती है जो कि फैल जाती है फौरन से, बेशतर हमको क्या कहते हैं कि एज जंगल फायर. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्रेड लाइक. अब यहाँ पे वर्ड लाइक यूज हुआ है तो यहाँ पर वर्ड लाइक है, लाइक मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी मैं जस्ट जंगल फायर, यानी कि वो जो बात थी वो जंगल की आग की तरह फैल गई. आफ्टर डेट लास्ट इज ड्यूरिंग द कर्फ्यू, ही ड्यूरिंग द कर्फ्यू द स्ट्रीट्स वर एज क्वाइट एज, अब जो कर्फ्यू होता है लाइक जहां जो है पुलिस या मार्शल जब आ जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई दफा लग जाती है, तो हम उसको कर्फ्यू बोलते हैं. आप कर्फ्यू में हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द कर्फ्यू द स्ट्रीट वर्स, यानी कि कर्फ्यू के दौरान स्ट्रीट कैसी थी, एज क्वाइट, एज क्वाइट एज वॉट. तो जब हम खामोशी के बारे में बात करते हैं तो खामोशी किस चीज को रेफर करती है, हम कहते हैं कि यहाँ पर तो कब्र जैसा सन्नाटा है, कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर
यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ एज, हम लिखेंगे एज ग्रेवयार्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने सारे जो सिमिलीज हैं उनको कंप्लीट करना है बाय एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स. तो मैंने आपको वर्ड जो है वो ऐड करके बताया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी. अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स.